हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भर्ती 2021-22 में जिला बीजापुर के द्वारा संविदा भर्ती निकाली गई है, इसमें टोटल 21 पद व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के निकाले गए हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जानी है। इस वॉक इंटरव्यू में आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्देश आपको जानने हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। आप इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। आपको इसका पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बीजापुर के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इस जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भोपाल पट्टनम अव्वापली बीजापुर और भैरमगढ़ स्कूल के लिए व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। यह सभी वैकेंसी की आपकी भर्ती संविदा भर्ती के रूप में की जाएगी। इसमें इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें चयन लिया जाएगा। इसमें आप पात्र अभ्यर्थी धारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेज के साथ इसमें दिनांक कार्यालय 10 बजे से कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर, इस एड्रेस पर आपको उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू देना है। चलिए अब हम इसमें पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए भैरमगढ़ और इसमें भोपालपट्टनम अव्वापली और बीजापुर स्कूल दिए गए हैं। इसमें अव्वापली स्कूल के लिए एक पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार से व्याख्याता रसायन, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें स्कूल के अनुसार एक एक पद निकाले गए हैं। इसके बाद हम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए भी इसमें अंग्रेजी के एक एक पद सभी स्कूल के लिए निकाले गए हैं। शिक्षक गणित के लिए भी एक पद निकाले गए हैं। शिक्षक विज्ञान के लिए भी निकाले गए हैं। शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक एक पद स्कूल के लिए निकाले गए हैं। इसके बाद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक एक पद निकाले गए हैं। इसमें भैरमगढ़ स्कूल के लिए टोटल 7 पद निकाले गए हैं। भोपालपट्टनम स्कूल के लिए टोटल 6 पद निकाले गए हैं। अव्वापली स्कूल के लिए टोटल 7 पद निकाले गए हैं और बीजापुर स्कूल के लिए टोटल 1 पद निकाले गए हैं। इसमें विषय के अनुसार, स्कूल के अनुसार पद निकाले गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके वॉक इन इंटरव्यू का डेट देख लेते हैं। इसमें आपको व्याख्याता और शिक्षक के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर इस एड्रेस पर आपको 10 बजे से 6/1/2022 को उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू आप दे सकते हैं। इसके बाद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला और सहायक शिक्षक के लिए एड्रेस सेम रहेगा, आपको 10 बजे से 7/1/2022 7 जनवरी को उपस्थित होकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इन सभी की शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसमें सहायक शिक्षक के लिए 50% अंक के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद इसमें अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षित अभ्यर्थी को ही आवेदन पत्र के लिए पात्र होंगे। इसमें आपका सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष इच्छा कला संकाय के विषय के साथ उपरोक्त मापदंड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद हम शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शिक्षक के लिए भी 50% अंक के साथ इसमें स्नातक और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक की शिक्षित अभ्यर्थी को ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसके बाद यह सभी विषय स्नातक में होनी चाहिए। इसके बाद व्याख्याता के लिए भी यह दिया है, इसमें आपका बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें आपका माध्यमिक स्तर से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इसके बाद प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में इसमें स्नातक और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक की शिक्षा आपकी अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। इसके बाद इन सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें उक्त समस्त पदों पर छत्तीसगढ़ राज्य के योग आवेदक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शाला से अध्यापन कार्य का अनुभव वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जानी है। इसमें चयन प्रक्रिया आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आपका चयन किया जाएगा। चलिए अब हम इन सभी पदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश देख लेते हैं। इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगानी होगी। इसके बाद इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन 10 से 11:30 बजे तक करा लेनी है, इसके बाद ही आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट निर्देश देख लेते हैं। इसमें आपको आयु की गणना यहाँ पास आपकी 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। इसमें न्यूनतम आपको 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको एज की 5 वर्ष की छूट वर्ग के अनुसार दी जाती है, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अब हम इन सभी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार भरेंगे यह देख लेते हैं। इसमें आपको पहले आवेदित शाला का नाम लिखना है, उसके बाद आवेदित पद का नाम और विषय लिखना है। यहाँ पास आपको स्कूल के अनुसार अलग अलग आवेदन करने होंगे। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी भर देनी है और शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता यहाँ 5वीं से फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पास आपका अनुभव का विवरण फिल कर देना है, यहाँ पास एड्रेस लिख देना है। उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्र की सूची में यहाँ नाम दिया हुआ है, इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगाने होंगे। इसके बाद आपको घोषणा पत्र में यहाँ पास नाम और सिग्नेचर कर देना है। यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको अलग अलग इसके लिए आवेदन अपने साथ ले जाकर पंजीयन कराने होंगे। इसमें आप 6 और 7 जनवरी को उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू से अपना चयन ले सकते हैं। इन सभी का PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।